अच्छा कि YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। यदि आपने हमारे YouTube चैनल एग्री शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और एग्री शिक्षा के वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज आपके लिए एग्री शिक्षा प्रेजेंट करता है CGPAT प्री एग्रीकल्चर टेस्ट 2021-22 के आपके जितने भी डाउट हैं वो इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, मुझे बहुत सारे कमेंट्स भी थे कि सर इस ईयर का न्यू सिलेबस क्या रहेगा, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। एग्ज़ाम डेट, एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, एग्ज़ाम मोड, एग्ज़ाम पैटर्न, सब्जेक्ट ग्रुप, फॉर्म फी, एप्लीकेशन फॉर्म फी, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो CGPAT एग्ज़ाम के लिए मोस्ट MP है। हमारे YouTube वीडियोस में भी लगातार हम CGPAT की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको अपलोड करने वाले हैं और रिजल्ट कब आता है और काउंसलिंग प्रोसेस कब से स्टार्ट होता है, ये सभी बातें हम एक ही वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। प्री एग्रीकल्चर टेस्ट की तैयारी करते समय आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना चाहिए। आपको सबसे पहले 12th पास आउट होना चाहिए। आपका जो मेन सब्जेक्ट है या स्ट्रीम बोले तो वो एग्रीकल्चर ग्रुप से या बायोलॉजी ग्रुप से और मैथमेटिक्स ग्रुप से कंपलसरी होना चाहिए। कोई अनदर सब्जेक्ट वाला इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं है। यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट बात है, परसेंटेज रिक्वायर। तो यहाँ जनरल के लिए बात करें परसेंटेज तो 50% और ST SC OBC एंड PWD स्टूडेंट्स हैं उनके लिए परसेंटेज रिक्वायर 45% रखा गया। यानी आपका जो परसेंटेज है वो 50% से अधिक जनरल के लिए और ST SC OBC PWD के लिए 45% से अधिक होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की बात करते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट नोटिस की बात करें तो एज रिक्वायरमेंट यहाँ पर दिया गया है। जनरल कैटेगरी के लिए 25 ईयर्स होना चाहिए। ST SC OBC PWD मतलब आपका जो अगर बात करें तो मिनिमम आपका जो एज रहना चाहिए वो 16, 17, 18 के आसपास होना चाहिए। और अधिकतम की बात करें और मैक्सिमम बोले तो हम 25 ईयर्स जनरल कैटेगरी के लिए, ST SC OBC PWD के लिए 28 ईयर्स बोला गया है। जो फीमेल कैंडिडेट होते हैं उनके लिए 28 ईयर्स, लेकिन इतना 28 ईयर्स तक तो कोई PAT का एग्ज़ाम तो देगा ही नहीं। तो अपन बोल सकते हैं कि मिनिमम 16 ईयर्स से अबाउट PAT का एग्ज़ाम सभी देना स्टार्ट कर देते हैं। किसी भी एग्ज़ाम का यदि आप प्रिपरेशन करते हैं, चाहे वो प्री एग्रीकल्चर टेस्ट हो या अदर स्टेट एग्ज़ाम्स हो, तो सबसे पहले आपको एग्ज़ाम पैटर्न ध्यान में रखना चाहिए। जो CGPAT एग्ज़ाम है इसमें नॉन निगेटिव मार्क है रखा गया है। एग्ज़ाम ड्यूरेशन 3 आवर्स का रहेगा और जो एग्रीकल्चर ग्रुप वाले रहेंगे उसका जो पेपर रहेगा, मतलब पेपर तो एक ही रहेगा लेकिन उसमें जो सब्जेक्ट रहेंगे वो 6 पार्ट्स में डिवाइड रहेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन 200, मैक्सिमम मार्क्स 200 का रहेगा। और जो मैथ्स ग्रुप या बायो ग्रुप से एग्ज़ाम देंगे उनका जो सेक्शन ऑफ पेपर्स रहेगा वो 3 पार्ट्स रहेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन 200, मैक्सिमम मार्क्स भी 200 का ही रहेगा। आगे जो सेक्शन ऑफ पेपर्स है उसके बारे में हम अच्छे से क्लियर में बताएंगे। सब्जेक्ट ग्रुप की बात करें तो यहाँ पर जो हमें 3 सब्जेक्ट ग्रुप देखने के लिए मिल जाते हैं, फर्स्ट एग्रीकल्चर ग्रुप, सेकंड बायोलॉजी ग्रुप एंड थर्ड मैथमेटिक्स ग्रुप। जो अपने मेन सब्जेक्ट रहता है, मेन स्ट्रीम से रहते हैं, वो वही ग्रुप से एग्ज़ाम देते हैं। एग्रीकल्चर वाले एग्रीकल्चर ग्रुप से, बायोलॉजी वाले बायोलॉजी ग्रुप से, जो मैथमेटिक्स वाले रहते हैं वो मैथमेटिक्स ग्रुप से एग्ज़ाम देते हैं। यहाँ पर आपको एक इम्पॉर्टेंट ध्यान में रखना है कि एग्रीकल्चर वाला बायोलॉजी ग्रुप से एग्ज़ाम नहीं दे सकता है। यदि देगा भी तो उसके लिए वो हार्ड हो जाएगा और बहुत ही हार्ड पड़ेगा। तो सभी को एग्ज़ाम जो फॉर्म है वो फिलअप करते समय अच्छे से ध्यान में रखना चाहिए। एग्रीकल्चर ग्रुप वालों की बात करें तो उनके पास देखने के लिए 3 सेक्शन मिल जाते हैं पेपर के, जैसे कि मैंने पिछले में कहा था AG1, AG2, AG3। AG1 में उनके पास 4 सब्जेक्ट रहते हैं, AG2 में 1 सब्जेक्ट और AG3 में
वन सब्जेक्ट देखने के लिए मिलते हैं। एजी वन में फिजिक्स 20 क्वेश्चन, केमिस्ट्री 20 क्वेश्चन, बायोलॉजी के 20 क्वेश्चन एंड मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाते हैं। एजी टू की बात करें तो क्रॉप प्रोडक्शन एंड हॉर्टिकल्चर के 60 क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। एंड एनिमल हस्बेंड्री एंड पोल्ट्री फार्मिंग की बात करें तो उसके भी उन लोग को 60 क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्ट्रीम की। बायोलॉजी ग्रुप वालों को 3 सब्जेक्ट जो उनका मेन सब्जेक्ट होता है फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, यही ग्रुप से उन लोग बायोलॉजी ग्रुप से तो एग्जाम देते ही हैं लेकिन उन लोग का यही मेन सब्जेक्ट है वही क्वेश्चन उनको देखने के लिए पेपर में मिल जाते हैं, जिसमें फिजिक्स के 60 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 60 क्वेश्चन एंड बायोलॉजी के भी 80 क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाते हैं। अब हम मैथमेटिक्स स्ट्रीम की बात करें, अगर मैथमेटिक्स ग्रुप की देखें तो जिस प्रकार बायोलॉजी ग्रुप का रहता है वही पैटर्न से मैथमेटिक्स ग्रुप का रहता है। फिजिक्स के 60 क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं, केमिस्ट्री के 60 क्वेश्चन एंड मैथमेटिक्स के 80 क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाते हैं। टोटल 200 क्वेश्चन मैथमेटिक्स ग्रुप से, 200 क्वेश्चन बायोलॉजी ग्रुप से और 200 क्वेश्चन एग्रीकल्चर ग्रुप से आप सभी को मिल जाते हैं। एग्जाम मोड की बात करें एंड पेपर टाइप की बात करें तो CGPAT एग्ज़ाम होता है या CG के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं वो देखा जाता है कि हमेशा ऑफलाइन मोड में होता है और पेन एंड पेपर मोड टाइप होता है, मतलब पेन एंड पेपर का इस्तेमाल करेंगे आप, गोला भरने के लिए दिया जाता है, वही इसका पैटर्न रहता है। जो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन रहता है उसमें क्वेश्चन आपको हिंदी में देखने के लिए मिलेंगे एक तरफ और इंग्लिश में देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट नोटिस है कि जब भी आपको यदि क्वेश्चन समझ में नहीं आता है और यदि क्वेश्चन हिंदी का मिस्टेक है तो हमेशा राइट इंग्लिश की क्वेश्चन को माना जाएगा। टाइप ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, कई मल्टीपल चॉइस में रहेंगे, एक एक नंबर के सभी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर यदि देखिए तो एग्ज़ाम डेट हर साल का रहता है कि लास्ट वीक ऑफ मई जो रहता है, मई का समय रहता है, उस समय आपका जो एग्ज़ाम रहता है वो हमेशा कंडक्ट होता है और एडमिट कार्ड सेकंड वीक ऑफ मई में, लेकिन इस बार कोरोना के कारण आपका जो एग्ज़ाम है वो जून के समय भी जा सकता है और जुलाई भी हो सकता है, और रिजल्ट जो रहता है वो अभी तक लास्ट वीक ऑफ जून में आपका जो रहता है वो डिक्लेयर हो जाता है, फर्स्ट वीक ऑफ जून में आपका जो रिजल्ट रहता है उसका आंसर की आ जाता है क्वेश्चन का, फिर आपको दावा आपत्ति करने के लिए कुछ 10 दिन का समय दिया जाता है। तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है कि एग्ज़ाम डेट आपका कब रहेगा, जब भी इंफॉर्मेशन आएगा हम आपको तुरंत बता देंगे। आप हमेशा एग्री शिक्षा के साथ जुड़े रहें, आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड हर प्रकार की वीडियोस एंड लाइव क्लासेस एंड डेली जो जनरल अपडेट्स हैं उसके बारे में हम आपको बताते रहेंगे। CGPAT प्री एग्रीकल्चर टेस्ट में एप्लीकेशन जो फॉर्म फी है वो हम पिछले ईयर की बात करें तो जनरल कैंडिडेट के लिए 250 रुपीस, OBC के लिए 200 था और जो STSC या PWD थे उनके लिए 150 रुपीस रखा गया था। एग्जामिनेशन फीस चेंज भी हो सकता है, इस बार कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो इस ईयर का जो न्यू सिलेबस है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दिया है, आप जाइए और वीडियो को वॉच कीजिए। यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिए।